नमस्कार, मैं हूं अनुराधा बोरा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चर्चित शो मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम को देखते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क का चुनाव करना राज्य के व्यापक हित के लिए है। उनका कहना है कि इसे दुनिया में राज्य के प्रसिद्ध कॉर्बेट पार्क के साथ ही इस क्षेत्र के सौंदर्य तथा जैव विविधता को भी पहचान मिलेगी। वहीं देश और दुनिया में लोगों का आवागमन भी इस क्षेत्र में बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में हर्षोल्लास से मनाई गई बकरा ईद, देश में अमन शांति के लिए उठे हजारों हाथ। शहर की बड़ी ईदगाह और कस्बा खानपुर सहित जिले भर की मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने अदा की बकरीद की नमाज। वहीं डीएम अभिषेक मीणा एवं एसपी सुनिधि ने बकरीद की शुभकामनाएं सभी जनपद वासियों को दी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए। वहीं नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर दी बकरीद की बधाई। ईद उल जुहा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अमेठी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 12,000 नमाजियों ने जायज के ईदगाह में नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। इस मौके पर डीएम प्रशांत शर्मा व एसपी राजेश कुमार ने ईदगाह स्थल पहुंचकर नमाजियों से गले मिलकर उन्हें बकरी ईद की हार्दिक बधाई दी। वहीं त्यौहार को शांति और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के मौलनपुर गांव में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश की गोली लगने से हुई मौत। मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी भी हुए घायल, जिसमें पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद को लगी दो गोलियां। घायलों को अभी भेज दिया है सरकारी अस्पताल। सर, क्या पूरा मामला? ये थाना रजपुरा क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि चार अपराधी एक क्षेत्र में रुके हुए मौलनपुर के जंगल में। इस सूचना पे सभी टीमों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पे कॉम्बिंग शुरू कराई गई। जब उस मौलनपुर के जंगल में पहुँचे तो एक अपराधियों ने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारे दो कांस्टेबल भी घायल हुए, मेरे भी जैकेट पे गोली लगी। और उसके बाद जब घेराबंदी की गई तो इसमें एक अपराधी को भी गोली लगी। उन सभी को हॉस्पिटल भेजा गया है। अपराधी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी कराया जा रहा है। उसमें प्रथम दृष्टया अभी जो उसके परिवार वालों से दिखा करके जानकारी हुई है, वो शकील है अपराधी, जो हमारे यहाँ कैदी वैन से फरार हुआ था। दो हमारे शहीद सिपाहियों का शहीद करके फरार हुआ था, उसमें एक अपराधी है ये शकील, और बाकी इसकी जानकारी और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें तो सर 2.5 लाख रुपए का नाम था। हाँ जी हाँ, इसके ऊपर हमारे डीजीपी महोदय द्वारा 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया था। सर, इसमें आप पर भी जानकारी मिली, आप पर भी फायरिंग हुई सर? हाँ जी, हमारी पूरी जो टीम थी, कई टीमें लगी हुई थी, उसमें लगातार ये दुर्दांत अपराधी था, लगातार फायर कर रहा था। और इसके पास से दो पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है, कई कॉटेज बरामद हुई है, और अभी भी कामिंग जारी है। इसके साथ ही जो फरार हैं उनके लिए भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, आपको वो भी फायर लगा था? फायर हमारे बुलेटप्रूफ जैकेट। ठीक है, इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर सर तक। धन्यवाद।